हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज फैशन विद चेतना। और इन दिस वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक पटियाला जिसके ऊपर आप अलग अलग स्टाइल करके पहन सकते हैं, चाहे वो कुर्ती हो, चाहे वो टॉप हो, चाहे फुलकारी दुपट्टे के साथ में। तो मेरे वीडियो के साथ में कंटिन्यू बने रहिए और देखिए कि मैं यहाँ पे किस टाइप से एक पटियाला के ऊपर अलग अलग तरह के टॉप स्टाइल करती हूँ। मैंने अपने फर्स्ट लुक के अंदर वाइट कलर की शर्ट वियर करी है पटियाला के ऊपर और फ्रंट में एक नोट बनाया है और गले में चोकर पहन के अपने लुक को कंप्लीट किया है। और ये वाला जो लुक है एकदम परफेक्ट है कैजुअल लुक के लिए, और आप कहीं घूमने जाते हो तो भी परफेक्ट लुक है, और समर्स में तो ये लुक अच्छा लगेगा ही लगेगा। तो आप इस तरह का लुक जो है रेडी कर सकते हैं, साथ में फ्लैट पहन सकते हैं जो भी आपको पसंद हो, तो एक आपके लिए अच्छा सा फंकी लुक रेडी हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अपने सेकंड लुक में नॉर्मल फ्लैट्स वियर किए हैं और टसल इयररिंग्स के साथ में अपने लुक को कंप्लीट किया है। और यहाँ पे मैंने एम्ब्रॉयडर टॉप पहना है, ये आपको इजीली मिंत्रा पर मिल जाएगा इस तरीके का टॉप, और आपने मेरे स्कर्ट हॉल में भी देखा होगा। तो इस तरीके से एम्ब्रॉयडर टॉप जो है पटियाला के ऊपर और सेमी पटियाला के ऊपर काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो ये वाला लुक भी जो है परफेक्ट है कैजुअल वियर के लिए। इस तरह का लुक जो है आप कॉलेज में पहन के जा सकते हो और फंकी लुक रेडी कर सकते हो इस तरह के टॉप और पटियाला के साथ में। आप कोई प्रिंटेड पटियाला भी वियर कर सकते हो तो उसके ऊपर भी एम्ब्रॉयडर टॉप काफ़ी अच्छा लगेगा। मैंने अपने नेक्स्ट लुक में पटियाला के ऊपर एक सिल्वर कलर की कुर्ती वियर करी है जो नॉर्मली हम लहंगा के ऊपर वियर करते हैं, और फुलकारी दुपट्टे के साथ में मैंने इसे लगा कर अपने लुक को कंप्लीट किया है, विद गले में एक ब्यूटीफुल सा नेक पीस और बड़ी बिंदी के साथ में। तो इस तरह का लुक जो है थोड़ा फंकी और स्टाइलिश लगता है। आप अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो वहाँ पर इस तरह का लुक पहन सकते हो फॉर फैशन शो। नेक्स्ट लुक के लिए मैंने यहाँ पे वियर किया है पटियाला के ऊपर एक टैंक टॉप जो कि बहुत ही अच्छा लगता है कॉलेज गोइंग गर्ल के लिए, और फुलकारी दुपट्टे को ही मैंने अपने नेक में अरेंज करके लगाया है और विथ फंकी हैंड बैग अपने लुक को कंप्लीट किया है। तो यहाँ पे आप लॉन्ग ईयरिंग के साथ में अपने लुक को कंप्लीट कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा लुक है एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के लिए, या आप कहीं घूमने भी जाते हो नॉर्मल तो भी आप इस तरह का लुक जो है रेडी कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लगेगा। नेक्स्ट मैंने अपने लुक के लिए सेम पटियाला के ऊपर सेम कलर का कुर्ता वेयर किया है। तो आप जानती हो कि प्लेन सूट के ऊपर हैवी दुपट्टा जो कि एक बहुत ही अच्छा पंजाबी लुक देता है, तो आप इस तरह का लुक भी रेडी कर सकते हैं। ये बहुत ही कंफर्टेबल ड्रेस हो जाती है, अगर वेडिंग के हिसाब से आप पहन रहे हो तो सैटिन की भी आप प्लेन सूट सिलवा सकते हो और उसके ऊपर डिज़ाइनर फुलकारी दुपट्टा वियर कर सकते हो, तो बहुत ही अच्छी ड्रेस रेडी हो जाएगी आप लोगों के लिए। सेम यहाँ पे मैंने सेम पटियाला के ऊपर वियर किया है एक सेम कलर का कुर्ता विद गोल्डन प्रिंट, और ये जिगजैग कुर्ता है। तो इस तरह की ड्रेस भी आप रेडी कर सकते हो, ये बहुत ही कंफर्टेबल होती है अगर आप मार्केट जाते हो तो, बहुत ही अच्छी ड्रेस है समर के लिए। अपने नेक्स्ट लुक के लिए मैंने पिंक कलर की पटियाला के ऊपर वियर किया है एक वाइट प्लेन कलर का चिकनकारी कुर्ता। तो आप डिफरेंट डिफरेंट कलर के प्लेन कुर्ते भी आप पटियाला के ऊपर ट्राई कर सकते हो और एक फंकी हैंडबैग के साथ में और ब्यूटीफुल नेक पीस और ज्वेलरी के साथ में अपने लुक को कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट लुक में मैंने यहाँ पे वियर किया है एक टॉप ब्लैक कलर का, और गले में मैंने स्कार्फ के साथ में और लॉन्ग ईयरिंग्स विथ ब्यूटीफुल बर्न के साथ में अपने लुक को कंप्लीट किया है। तो इस तरह का लुक भी समर के लिए और कैजुअल लुक के लिए एकदम परफेक्ट लुक है, तो आप इस तरह का लुक भी रेडी कर सकते हैं। I
आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और इस टाइप के और भी वीडियो देखना चाहते हो तो भी कमेंट करके बताना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और मेक श्योर अगर आप मेरे को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और साइड में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस करना ताकि मेरे न्यूली नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्दी जल्दी मिल सके। और गाइज आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, कोई क्वेरी हो तो जीमेल पे मुझे मेल कर सकते हो। थैंक यू गाइज, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।